अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का फ्रूट केक अपनी कुछ प्यारी बहनों की फरमाइश पे। तो चले आइए बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट केक के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। मैदा हमें चाहिए 1 कप, चीनी हमें चाहिए 2/3 कप, दूध हमें चाहिए 1/4 कप, सूजी हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, रूम टेम्परेचर पर हमें बटर चाहिए 100 ग्राम, 3 अदद हमें अंडे चाहिए, वनीला एसेंस हमें चाहिए 1/4 टीस्पून, ऑरेंज और येलो हमें फूड कलर चाहिए पिंच, 1/4 टीस्पून हमें नमक चाहिए, 1 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर चाहिए, 1 साशे हमें वनीला शुगर का चाहिए, लेमन जेस्ट हमें चाहिए 1 टीस्पून, 1/4 कप हमें कैंडिड मिक्स्ड पील चाहिए, ये आपको किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे, और 1 टेबल स्पून मुझे ग्लेज्ड चेरी चाहिए, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया, 2 टेबल स्पून हमें किशमिश चाहिए, 2 ही टेबल स्पून हमें कटे हुए बादाम चाहिए, और 1/8 इंच का हमें लोफ पैन चाहिए, उसे मैंने बटर पेपर लगा के बटर से ग्रीस कर लिया। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं एक स्टैंड मिक्सर लूँगी। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो आप हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैं अनसाल्टेड बटर डाल दूँगी, और आपने इस बात का खास ध्यान रखना है कि बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज वाला बटर हमने यूज़ नहीं करना। बटर डाल के हम इसको मशीन को दोबारा लॉक करेंगे, और इसको मैं नंबर 2 पर कुछ सेकेंड के लिए चलाऊँगी। मिक्सर को हम बंद करेंगे, बटर हमारा बीट हो चुका है। अब दोबारा से हम इसको अनलॉक करेंगे, और उसमें मैं बारीक चीनी डालूंगी। मैंने इधर 2/3 कप यूज़ की है, 2/3 कप हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं वनीला शुगर का 1 पैकेट डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। दोबारा इसको कवर करेंगे ताकि मिक्सर चलाते वक्त हमने जो चीनी डाली है वो बाहर ना गिरे। और मिक्सर को मैं अब दोबारा 2 नंबर पे रख दूँगी, और इसको भी हम 40-50 सेकेंड तक चलाएंगे। हो चुके हैं। अब हम मिक्सर को बंद करेंगे, दोबारा से अनलॉक करेंगे, कवर हटाएंगे, और किसी स्पैचुला की मदद से हम जो चीनी और बटर का मिक्सचर है उसको हम बाउल के किनारों से अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे। और साथ ही मैं क्लीन करने के बाद और साथ ही मैं 1 अंडा डाल दूंगी। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। मशीन को लॉक करेंगे, कवर करेंगे, और नंबर 2 पे मैं इसको 1.5 मिनट पे चला दूंगी, और मशीन साथ साथ चलती रहेगी, और मैं बाकी के जो 2 अंडे हैं वो भी 1-1 करके इसमें डालती जाऊंगी। अगर आप बटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप जितना आप ऑयल यूज़ करेंगे तब भी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हम 1.5 मिनट के बाद इसको दोबारा अनलॉक करेंगे, कवर हटाएंगे, और इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। सूजी, सूजी से केक का बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। दूध, दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। साल्ट, लेमन जेस्ट, वनीला एसेंस, पिंच हमें फूड कलर चाहिए येलो वाला, और उससे भी कम हम डालेंगे ऑरेंज वाला। दोनों फूड कलर से केक का बहुत अच्छा कलर आएगा। अब हम इसको लॉक करेंगे और मशीन को हम चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए, और साथ ही मैं मिक्स्ड पील, चेरीज, किशमिश और बादाम ये डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं बचा लूंगी केक के ऊपर डालने के लिए। मैं मिक्सर की स्पीड बिल्कुल स्लो पे काट दूंगी, और बिल्कुल स्लो करने के बाद इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे,
बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। स्पीड को हमने स्लो पे रखना है, इस बात का भी आपने खास ध्यान रखना है। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे, मशीन हमारी स्लो पे चलती जाएगी और मैदा मिक्स हो जाएगा। मैदे को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह छान लिया था, आपने भी इस बात का ध्यान रखना है और इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह छान लेना है, उससे केक हमारा बहुत अच्छा बनता है। अब बैटर हमारा मिक्स हो चुका है, अब मशीन को हम बंद कर देंगे, अनलॉक करेंगे, बाउल को हम निकालेंगे और फिर हम इसको लोफ पैन में डालेंगे। ओवन को मैंने 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। अब मैं केक के बैटर को हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये देखें, इसका इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ना तो ये बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। अब मैं इसको लोफ पैन में डाल लूँगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा, आपको बेकरी के केक जैसा टेस्ट आएगा इसका, और इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब मैं इसको डालने के बाद हल्का सा टैप करूँगी और बाकी की जो मैंने कैंडिड मिक्स पील रखी थी वो और चेरीज इसके ऊपर डाल दूँगी। आप चाहें तो खजूर भी काट के वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्रूट केक का टेस्ट आता है। अब इसको मैं ओवन में रखूँगी। ओवन में मैं इसको 35 मिनट के लिए रखूँगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 35 मिनट के बाद हम कोई भी वुडन स्टिक के साथ केक को चेक करेंगे, अगर तो वो क्लीन निकलता है तो दैट मीन्स कि हमारा केक रेडी हो चुका है। आप टूथपिक भी ले सकते हैं। तो केक हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें आप, इसका कलर कितना अच्छा आया है, ये इतना सॉफ्ट बनता है और इतना टेस्टी बनता है। ये बच्चों का भी बहुत फेवरेट होता है। आप इसको मेहमानों के आगे सर्व करें, आप इसको चाय के साथ लें और इसको इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे, अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।